उतरे थे, चुनाव प्रचार प्रसार तेज करते हुए नजर आए थे, और यह भी देखा गया था कि बहुत सोच समझ करके टिकट दिया गया था, क्या है वो उसी का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है? निश्चित रूप से इन सारी चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है, बट सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो हमारे नेतृत्व का, मोदी जी की विजन का, मोदी जी की नीतियों का, और जो कंबाइंड रूप से हमारे सारे नेताओं ने जो प्रयास किए उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2013 में वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी सत्ता में आई थी, 163 सीटें जीती थी, मतलब कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से। तो आप कह रही हैं कि पीएम मोदी के विजन पर बीजेपी जो है आगे बढ़ रही है। तो बड़ी खबर पहले प्रेमचंद बैरवा जीत गए हैं पहला नतीजा न्यूज 18 राजस्थान पर, आपको सबसे पहले बताते हुए तो पहला रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट भी रुझानों की तरह बीजेपी के ही फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूदू से बीजेपी का जीत का खाता खुल चुका है, राजस्थान की 199 सीटों का पहला नतीजा आ चुका है। दूदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा चुनाव जीत गए हैं, वही दूदू जिसको लेकर जब जिला बनाया गया तो सवाल उठे कि आखिर जिला बनाने की क्या स्थिति थी दूदू में, कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस का जो समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया गया था वो प्रत्याशी जो कांग्रेस का टिकट हासिल कर चुके हैं बीजेपी को वो हरा देंगे, लेकिन दूदू से बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा जीत गए हैं। रुझान में भी शुरुआत बीजेपी की अलका जी, और ये नतीजे में भी बीजेपी आगे, ये वही है ना, बोहनी अच्छी हुई तो आगे भी बिल्कुल अच्छा होता जा रहा है। और दूदू तो पंचायत से इन्होंने जिला बना दिया था जी, घोषणा भी सरकार की आप देखिए कि अति थी, कि इन्होंने ना क्राइटेरियाज देखे ना बजटीय एलोकेशन किया, सिर्फ रेवड़ी बांटी और इस हिसाब से करने की कोशिश की कि जनता भरम जाएगी, लेकिन जनता ने